दोस्तों ये 2 टन का एसी है, इसका कॉन्ट्रैक्टर ख़राब हो गया है। इसका कॉन्ट्रैक्टर कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एसी चल तो रहा है लेकिन केवल फ़ैन चल रहा है और कंप्रेसर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं कितना कितना डस्ट है अंदर। ये कैपेसिटर भी चेंज करूँगा मैं, क्योंकि ये कैपेसिटर सही है बट मैं चेंज कर दूँगा। और ये कॉन्ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा पुराना नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर नया है, 3 पोल का कॉन्ट्रैक्टर है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि कॉन्ट्रैक्टर अपना काम करता है, फूस हो जाता है, बट कंप्रेसर नहीं चलता है, केवल फैन चलता है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर कोयल होता है, इसके अंदर ना ये अभी हम तोड़ेंगे तो इसमें मालूम चलेगा, इसके अंदर कोयल होता है, ठीक है। अगर कोयल वो कॉपर का बना रहता है, कॉपर अगर थोड़ा सा भी ब्रेक हो गया तो ये कंप्रेसर को नहीं चलने देगा, ये फूस होगा बट कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो होल्ड नहीं ले पाएगा, वो जैसे इन लेगा आउट नहीं दे पाएगा। ये जो आउट के लिए आप दे सकते हैं वायर लगा हुआ है जो कंप्रेसर में जा रहा है, इन तो होगा, पुश भी हो सकता है बट ये पावर को आउट नहीं होने देगा, जिसकी वजह से मेरा कंप्रेसर नहीं चल रहा है। मैं इसको चेंज करके मैं दूसरा लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का सवाल यही है कि 2 टन का एसी में कॉन्ट्रैक्टर कैसे चेंज करें। दोस्तों मैं चलिए वीडियो चालू करता हूँ और आपको बताता हूँ कॉन्ट्रैक्टर कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 2 पोल का कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें पहले 3 पोल का कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है। ये 3 पोल का जो कॉन्ट्रैक्टर है ये 3 फेस में लगता है, अगर 3 फेस में और सिंगल फेस में भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये 3 फेस में यूज होता है, लेकिन ये 2 पोल का कॉन्ट्रैक्टर ये 3 फेस में नहीं लगेगा, क्योंकि इसका आप देख सकते हैं एक पॉइंट खाली है, एक पॉइंट ये पहले से खाली है और केवल 2 पॉइंट को यूज किया गया है। अब इसमें केवल 2 पॉइंट ही है, 3 पॉइंट नहीं है, इसकी वजह से ये 3 फेस में नहीं लगेगा। 3 फेस के लिए 3 पॉइंट होना ज़रूरी है। दोस्तों तो मैं कॉन्ट्रैक्टर चेंज करके मैं एसी चालू करके देखता हूँ। दोस्तों जब मैं कॉन्ट्रैक्टर को तोड़ा, आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है A1 A2 है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ये जो पतला वायर आ रहा है, पतला वायर आके आने के बाद यहाँ पे ब्रेक हो गया है, यानी अंदर से टूट गया है, कट गया है। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किधर टूटा हुआ है। देखिए ये वायर यहाँ से आके टूट गया है, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा था। मैं दूसरा पॉइंट आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये देखिए इसका वायर कितने अच्छे से लगा हुआ है। अब कि ये वायर देखिए, ये आके जो टर्मिनल है ये इसमें आके कनेक्ट हुआ है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटा है, एकदम ये वायर बराबर ये क्लिप तक आया हुआ है। इसके वजह से ये कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा था और एसी चल नहीं पा रहा था। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती है कॉन्ट्रैक्टर में, मैं इसीलिए तोड़ के मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था कि आपको भी मालूम चले कि आखिर कॉन्ट्रैक्टर तो सही, देखने में तो सही लग रहा है, आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो नया पुराना कॉन्ट्रैक्टर से कुछ होता नहीं है, अगर काम नहीं कर रहा है तो अंदर उसके फॉल्ट ज़रूर होता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर का वायर देख कर कन्फ्यूज हो रहे होंगे कौन सा वायर किस में लगेगा। तो दोस्तों ये बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको सबसे पहले वायर को समझना पड़ेगा कौन सा वायर कहाँ आ रहा है और कौन सा वायर फेस है, कौन सा वायर न्यूट्रल है। दोस्तों तो सबसे पहले आपको फेस देखना है, जैसे ये फेस है, ये न्यूट्रल है, ये फिर से जो इंडोर से जो आ रहा है, इंडोर एसी से जो आ रहा है, ये फेस है, ये न्यूट्रल है, ये जो पीसीबी से आ रहा है ये कमांड का वायर है, मतलब कंट्रोल फेस है। ये 3 वायर को अभी हम छोड़ देंगे, ये 2 वायर को पकड़ेंगे, फेस और न्यूट्रल देखेंगे, क्योंकि ये मेन फेस ये है, न्यूट्रल ये है, यानी हमको पहले मेन देखना है, ये बाद में जो इंडोर से आ रहा है उसको बाद में देखेंगे। दोस्तों एक कनेक्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कनेक्टर है, तो फेस का वायर आप देख सकते हैं ये फेस आ रहा है, ये फेस आ रहा है, तो फेस जा कहाँ रहा है, ये फेस जा रहा है, आप देख सकते हैं एचपी में जा रहा है, यानी हाई प्रेशर में। यहाँ पे एक और वायर निकला हुआ,
ये देखिए इसके नीचे एक और वायर है, उस वायर को मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं कॉन्टैक्टर लगा दिया हूँ ताकि आसानी हो समझने में। कॉन्टैक्टर लग गया है, ये जो अपना कनेक्टर से फेस आ रहा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे येलो वायर लगा हुआ है, मेन फेस है, यहाँ से ये वायर निकला हुआ है। तो अब इसको क्या करना है, इसके पहले पॉइंट में डाल सकते हैं या हम इसमें भी डाल सकते हैं या इसमें भी डाल सकते हैं। तो हम पहले इसमें डाल देते हैं, हम इसमें डाल दिए। और अब इसमें डालना है न्यूट्रल, पहले में अगर हम फेस डाले हैं तो दूसरे में हमको न्यूट्रल डालना है। आप देख सकते हैं ये ब्लैक वाला न्यूट्रल का वायर है, तो न्यूट्रल हमको चेक करना है किधर आ रहा है। देखिए ये दूसरे जो कनेक्टर से आ रहा है यहाँ से, ये न्यूट्रल है। अब हमको न्यूट्रल का करना क्या है, दूसरे पॉइंट में लगा देना है, हमको इसमें लगा देना है। ये हमारा ये वाला एरिया कंप्लीट हो गया, अब हमारा बच गया ये। अब यहाँ से करना क्या है दोस्तों, ये जो फेस आ रहा है हमको जो कंप्रेसर का कॉमन होता है, स्टार्टिंग रनिंग कॉमन होता है, तो कॉमन में देंगे। फेस को कभी भी कॉमन में देना है। यहाँ से फेस आ रहा है, यहाँ से फेस निकलेगा, जब यहाँ से फेस निकलेगा तो हमको कंप्रेसर के कॉमन में देना है। तो कंप्रेसर का कॉमन ये रेड वाला था, मैं पहले चेक कर लिया था, आप भी चेक कर लीजिएगा लगाने से पहले, ये ना कि गलत वायर लगा देंगे तो आपका कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। तो अब इसको क्या, हम यहाँ से कंप्रेसर के कॉमन में डाल दिए, यानी हमारा ये एरिया कंप्लीट हो गया। यहाँ से फेस आ रहा है, यहाँ से फेस निकलेगा, कंप्रेसर में जाएगा। अब ये एरिया बच गया, अब यहाँ से हमको न्यूट्रल लेके कैपेसिटर के जो सी लिखा रहता है, सी कॉमन, उसमें डालना है। यहाँ से न्यूट्रल आ रहा है, यहाँ से न्यूट्रल निकल के कैपेसिटर के कॉमन में डालने का है। तो ये जो कैपेसिटर है, मैं अभी इसको भी चेंज कर दूंगा, काफ़ी पुराना हो गया है। ये जो हमारा वायर है आप देख सकते हैं, इसमें कैपेसिटर से होके आ रहा है, कैपेसिटर से होके आ रहा है। अब इस वायर को हम इसमें डाल देंगे, इसमें डाल दिए। अब हमारे ये दोनों क्लिप कंप्लीट हो गया, यहाँ से फेस आया, यहाँ से फेस निकल गया, यहाँ से न्यूट्रल आया, यहाँ से न्यूट्रल निकल गया। और बच गया हमारा ए एरिया, ए वन और ये है ए टू। अब ए एरिया बच गया, अब इसमें हमको देना क्या है, एक एरिया में हमको न्यूट्रल देना है, एक एरिया में हमको फेस देना है। तो चलिए हम न्यूट्रल दे के देखते हैं दोस्तों। अब देख सकते हैं ये जो वायर है, ब्लू वायर है, ये न्यूट्रल का है। अब न्यूट्रल कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इंडोर का तीन वायर आ रहा है, ये ब्लैक वायर है, ये न्यूट्रल है, ये जो इंडोर का मेन फेस है, ये कमांड का वायर है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का वायर लगा हुआ है, ये न्यूट्रल यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट ब्लू कलर का वायर निकल रहा है। अब ये ब्लू कलर का वायर ए है, अब इसको हमको दोनों क्लिप में किसी एक में लगाना है। हम इसको इसमें लगा दिए, हम इसको ए वन में लगा दिए। और हमारा ए टू बाकी है, अब ए टू में लगेगा कौन सा, तो ए टू में दोस्तों ये जो कमांड का वायर आ रहा है नीचे से पीसीबी से होके आ रहा है, ये 2 से 3 मिनट के बाद जब कंप्रेसर चालू होता है, आप देखे होंगे जब एसी चालू करते हैं तो तुरंत आउटडोर नहीं चालू होता है, 2 से 3 मिनट लगता है कंप्रेसर को चालू होने में। जो कंप्रेसर को चालू होने का 2 से 3 मिनट लगता है, ये वही वायर है जिसको सीपी बोलते हैं, कमांड बोलते हैं, कंट्रोल फेस बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये वायर से देखिए यहाँ पे रेड वायर निकला हुआ है, यहाँ पे दो वायर निकला हुआ है। हम एक वायर को यहाँ से ले लेंगे, देखिए ये वायर है, अब ये वायर हम यहाँ लगा देंगे, दूसरे क्लिप में लगा देंगे। अब होगा क्या कि एसी जब हम नीचे से रिमोट से चालू करेंगे, हमारा एसी चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद से क्या करेगा,
जो हमारा पीसीबी लगा हुआ है इंडोर में, वो 3 मिनट के बाद एक कंट्रोल फेस छोड़ेगा, 3 मिनट के बाद एक फेस को आउट करेगा, वो फेस यही है। जैसे ये आउट करेगा, यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल गया और यहाँ से इसको फेस मिला, तो नीचे रिले लगा हुआ, वो रिले क्या करेगा, ऑटोमेटिक पुश कर लेगा, यानी कॉन्ट्रेक्टर को होल्ड लेगा। जब कॉन्ट्रेक्टर को होल्ड लेगा तो हमारा फैन और कंप्रेसर दोनों एक साथ चालू हो जाएगा। दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और कॉन्ट्रेक्टर कैसे चेंज करते हैं 2 टन के एसी में ये भी समझ में आया होगा। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है एसी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा सवाल का। ओके दोस्तों, जय हिंद।